तो आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कोस्टल एक्वाकल्चर अथॉरिटी एक्ट 2023। कल हमने एनवायरनमेंट का जो मेजर पोर्शन था वो कंप्लीट किया था, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरे वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो एंड शेयर माई वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो टॉपिक है ये न्यूज़ में क्यों था? न्यूज़ में ये इसलिए था कि रिसेंटली जो कोस्टल एक्वाकल्चर अथॉरिटी जो है हमारी, मतलब कि कोस्टल एक्वाकल्चर अथॉरिटी एक्ट जो है 2023 का, वो अडॉप्ट किया गया है। और पहले ये कब अमेंड किया गया था? ये 2005 में अमेंड किया गया था। बैकग्राउंड क्या है? कोस्टल एक्वाकल्चर अथॉरिटी एक्ट 2005 का ये अनेक्ट किया गया था, प्रोवाइड फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ कोस्टल एक्वाकल्चर अथॉरिटी, की एक कोस्टल एक्वाकल्चर अथॉरिटी हमें इस्टेब्लिश करनी है। किसके लिए? रेगुलेटिंग द एक्टिविटीज़ कनेक्टेड विद द कोस्टल एक्वाकल्चर एंड कोस्टल एरियाज़। ऐसी एक्टिविटीज़ जो कोस्टल एक्वाकल्चर या कोस्टल एरियाज से रिलेटेड हैं, उनसे रिगार्डिंग, उनकी मैनेजमेंट के लिए, उनकी रेगुलेशन के लिए हमें एक अथॉरिटी चाहिए, उसकी एस्टेब्लिशमेंट के लिए। इट एम टू प्रोटेक्ट द कोस्टल एनवायरनमेंट वाइल प्रमोटिंग द ऑर्डरली ग्रोथ ऑफ कोस्टल एक्वाकल्चर फार्मिंग इन कोस्टल एरियाज़। जैसे कि कोस्टल एरियाज़ के अंदर जो कोस्टल एक्वाकल्चर फार्मिंग है वो बढ़ रही है, तो उस केस में जो कोस्टल एनवायरनमेंट है उसको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, इस एम से ये जो अथॉरिटी है उसको एस्टेब्लिश किया गया था। इट डिफाइंस कोस्टल एक्वाकल्चर एज कल्चरिंग अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन इन पॉन्ड्स, पैंस, एनक्लोजर्स और अदरवाइज इन कोस्टल एरियाज ऑफ श्रिम, प्रॉन्स, फिश और एनी अदर एक्वेटिक लाइफ इन सलाइन और ब्रैकिश वाटर, बट डज नॉट इंक्लूड फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर। देखिए, इसमें आपको एक चीज़ ध्यान देनी होगी, यहाँ पे फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर जो है वो इस एक्ट में इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि मेनली ये कोस्टल एक्वाकल्चर को ही डिफाइन कर रहा है कि कोई भी जो कल्चरिंग करते हैं श्रिम्प्स की, प्रॉन्स की, फिशेस की, कहाँ पे जो आपके कोस्ट लाइन के पास पॉन्ड्स है, पैंस जो बनाए होते हैं, तो वहाँ पे उनकी जो कल्चरिंग है उसको मेनली कोस्टल, मतलब कोस्टल एक्वा कल्चर के अंदर वही डिफाइंड होते हैं। फ्रेश वाटर एक्वा कल्चर जो है वो उसमें इंक्लूड नहीं किया जाता। इट ऑल्सो फैसिलिटेट्स द कॉन्टिन्यूड ऑपरेशन ऑफ कोस्टल एक्वाकल्चर विद इन द कोस्टल रेगुलेटरी जोन एरिया एंड बियॉन्ड। ये हमें, मतलब कि इसमें ये भी दिया गया कि जो जोन हमारे कोस्टल रेगुलेटरी जोन है उसके अंडर भी अगर कोई आपका कोस्टल एक्वाकल्चर अगर एरिया आ रहा है तो वहाँ पर भी जो ऑपरेशन हैं उनको कॉन्टिन्यू किया जाए, और उससे आगे भी ये जो ऑपरेशन हैं उनको कॉन्टिन्यू किया जाए। अगर कोई भी अनरजिस्टर्ड फार्म है वो वहाँ पे, मतलब बनाया हुआ है कोई भी फार्म वहाँ पे चल रहा है जो अनरजिस्टर्ड है, तो उसको पिनलाइज किया जाएगा। और वहाँ पे क्या है, एरिया जो है प्रोहिबिटेड एरिया, फॉर एग्जांपल ये आपकी इंडिया की जो कोस्टल कोस्ट लाइन है, तो यहाँ पे मान लीजिए कुछ एरिया जो है उसको प्रोहिबिटेड एरिया भी जो है वो बोला जाता है कि ये जो एरिया है प्रोहिबिटेड एरिया है। वो डिपेंड करता है स्टेट टू स्टेट और सिचुएशन टू सिचुएशन। तो अगर किसी प्रोहिबिटेड एरिया में कोई फार्म ऑपरेट हो रहा है तो ऐसा कुछ पता चलता है अथॉरिटी को, तो उस फार्म को पिनलाइज भी किया जाएगा। इन 2005 कोस्टल एक्वाकल्चर एक्टिविटी वॉज असेंशली श्रिप फार्मिंग। 2005 में जो आपकी कोस्टल एक्वाकल्चर एक्टिविटी थी ना, वो असेंशली किए थे श्रिम्प फार्मिंग की, जो ये आपका झींगा जो फार्मिंग होती है उसी पे कॉन्सेंट्रेटेड थी। लेकिन जैसे जैसे नए आपका, मतलब ये इसमें अमेंडमेंट आई है, न्यूअर फॉर्म्स ऑफ इको फ्रेंडली कोस्टल एक्वाकल्चर हैव कम अप। अलग अलग टाइप से जो कोस्टल एक्वाकल्चर है वो निकल के आए हैं, जो कि आपके कोस्टल जो एरिया है वहाँ से भी, मतलब कि और ज़्यादा आगे मूव हो रहे हैं, मेनली आपका जो CRZ है, कोस्टल रेगुलेटरी जोन है, वहाँ तक। हाउएवर देयर हैव बीन डिमांड्स टू रिमूव द एम्बिग्यूटीज एंड अमेंड सम ऑफ द प्रोविजन। ये मतलब कि यहाँ डिमांड उठ रही थी कि 2005 का जो एक्ट है उसमें कुछ अगर, मतलब कि प्रॉब्लम्स हैं तो उनको सॉर्ट आउट किया जाए, और वहाँ पे जो रेगुलेटरी बर्डन है उसको भी कुछ ना कुछ कम किया जाए। अगर हम डाटा के अकॉर्डिंग देखें तो वर्ल्ड का जो, मतलब थर्ड लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसर है वो इंडिया है। थर्ड लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसर जो है वो इंडिया है। सेकेंड लार्जेस्ट एक्वाकल्चर जो प्रोड्यूसिंग नेशन है वो भी इंडिया है। तो देखिए, इंडिया थर्ड लार्जेस्ट आपका फिश प्रोड्यूसर है, सेकेंड लार्जेस्ट एक्वाकल्चर प्रोडक्शन होता है, डबल इंडिया सी फूड। इंडिया का जो सी फूड एक्सपोर्ट है वो 2013 से 2023 में 10 सालों के अंदर जो है वो डबल हो गया है। जो फ्रोजन श्रिम्प है वो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किया जाता है, अगर इंडियन एक्सपोर्टेड सी फूड की हम बात करें। और USA जो है वो लार्जेस्ट इम्पोर्टर है इंडिया का सी फूड का, और
यूएसए इज़ द लार्जेस्ट इम्पोर्टर ऑफ इंडियन सी फूड फॉलोड बाय चाइना एंड ईयू। जो इंडिया का सी फूड मेनली इम्पोर्ट हो रहा है ना, जो हमने कहा है कि 2013 से लेकर 2023 तक डबल हुआ है, ये डबल कैसे हुआ है? सबसे ज़्यादा जो हमारा इम्पोर्ट जाता है, एक्सपोर्ट जाता है, वो यूएसए के पास जाता है, उसके बाद में जो चाइना है वहाँ पे एक्सपोर्ट होता है, और फिर होता है आपका ये जो यूरोपियन यूनियन है वहाँ पे। ओके, ये कुछ डाटा था। नेक्स्ट आपका एक बार ये जो कोस्टल रेगुलेटरी जोन नोटिफिकेशन 2019 का, उसको देख लें। तो एज़ पर दिस नोटिफिकेशन सर्टेन कोस्टल एरियाज़ वर डिक्लेयर्ड एज कोस्टल रेगुलेशन जोन। उस ये जो नोटिफिकेशन है, अकॉर्डिंग टू दिस नोटिफिकेशन कुछ जो एरियाज़ थे उनको डिक्लेयर किया गया कि ये एरियाज़ जो हैं ये कोस्टल रेगुलेशन जोन हैं। वहाँ पर कोई भी इंडस्ट्री सेटअप करना या वहाँ पर कोई पहले से इंडस्ट्री है सेटअप की हुई उसको एक्सपेंड करना वो प्रोहिबिट है। ओके, एंड कोई भी अदर डेवलपमेंटल अगर एक्टिविटीज़, कोई प्रोजेक्ट्स है, वो भी वहाँ पे रेगुलेटेड वे में होगी। फॉर एग्जांपल कोस्टल एरिया प्रोहिबिटेड है, वहाँ पे कोई रेस्टोरेंट बना रहा है या फिर कोई रेस्टोरेंट ऑलरेडी है और वो उसको एक्सपेंड कर रहा है, तो वो वहाँ पे रेगुलेटेड है। द नोटिफिकेशन ऑल्सो प्रोवाइड फॉर नो डेवलपमेंट जोन्स। वहाँ नोटिफिकेशन में ये भी बोला गया है कि कुछ जो जोन्स हैं वो नो डेवलपमेंट जोन्स होंगे। वो डिपेंड करता है वेरियस कैटेगरीज ऑफ कोस्टल एरियाज। अब नो डेवलपमेंट जोन्स मीन्स उस वहाँ की कोस्ट लाइन को देख के, क्योंकि इंडिया की जो कोस्ट लाइन है उसको एनक्रोचमेंट से, इरोजन से और एक्रेशन से बचाने के लिए वहाँ पे नो डेवलपमेंट जोन्स जो है उनको घोषित कर दिया गया कि यहाँ पे कोई भी किसी भी टाइप की डेवलपमेंट जो है वो नहीं होगी। जो कोस्टल रेगुलेशन जोन जो होते हैं, नोटिफिकेशन इज़ इशूड बाई दी, ये CRZ जो रेगुलेशन के नोटिफिकेशन होते हैं वो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट ही इशू करती है। और ये कौन से एक्ट के अंडर आते हैं ये आपको ध्यान देना है, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। अगर हम बात करें कोस्टल एक्वाकल्चर अथॉरिटी एक्ट 2023 की, जो कि अभी अमेंड कर 2005 वाले को अमेंड करके जो बनाया गया, तो उसमें आपका क्या क्या बताया गया। मेनली जो डेफिनेशन थी कोस्टल एक्वाकल्चर की, जिसमें पहले श्रिम्प, प्रॉन्स और फिशेज आ रहे थे, उसको इन्होंने ब्रॉड किया है। अब ये कवर कर रहा है, कॉम्प्रिहेंसिवली कवर्स ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ कोस्टल एक्वाकल्चर, रिमूविंग द एम्बिग्यूटी बिटवीन द फार्म एंड द अदर वर्टिकल्स ऑफ कोस्टल एक्वाकल्चर्स। मतलब अब फार्म हो या अदर कोई भी कोस्ट, किसी भी टाइप का कोस्टल एक्वाकल्चर हो, सब इसमें इंक्लूडेड है। न्यू कोस्टल एक्वाकल्चर सच एज केज कल्चर, सीवीड कल्चर, बाइवॉल्व कल्चर, मरीन ऑर्नामेंटल फिश कल्चर एंड पर्ल ऑयस्टर कल्चर, सबको इसमें इंक्लूड किया गया है ताकि उनको जो है प्रमोट किया जा सके। नेक्स्ट है रजिस्ट्रेशन ग्रांटेड अंडर द कोस्टल एक्वाकल्चर अथॉरिटी एक्ट। जो इसमें रजिस्ट्रेशन होगा वो कोस्टल एक्वाकल्चर अथॉरिटी एक्ट के अंडर दिया जाएगा, और वो मतलब कि जो वैलिड परमिशन है, मतलब वो जो आपका रजिस्ट्रेशन है उसको एक वैलिड परमिशन की तरह लिया जाएगा। एडिशनल रोल ऑफ कोस्टल एक्वाकल्चर अथॉरिटी, जो ये अथॉरिटी है उसके पास एडिशनल रोल क्या क्या है, ये क्या कर सकेंगे, फिक्स स्टैंडर्ड फॉर इनपुट्स एंड डिस्चार्ज ऑफ इफ्लुएंस फ्रॉम एक्वाकल्चर यूनिट्स। एक्वाकल्चर जो यूनिट्स हैं वहाँ से जो डिस्चार्ज होता है उसमें और वहाँ पे कितना इनपुट जा रहा है, उन सब स्टैंडर्ड्स को ये फिक्स करेंगे। प्रोहिबिट द यूज़ ऑफ सर्टेन इनपुट टू प्रिवेंट हार्म। मतलब वहाँ पे जो आपकी कोस्टल एक्वाकल्चर यूनिट्स हैं वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ तो यूज़ नहीं हो रही है जिससे आपका एनवायरनमेंट को वो लॉन्ग टर्म के लिए जो है हानि पहुँच रही है, तो उस चीज़ को भी ये क्या करेगा, प्रोहिबिट करेगा। मॉनिटर एंड रेगुलेट यूनिट्स इनपुट्स एंड एमिशंस, उन यूनिट से वहाँ पे क्या इनपुट जा रहा है, क्या वहाँ से एमिट हो रहा है, उन सबको ये क्या करेगा, मॉनिटर भी करेगा और रेगुलेट भी करेगा यूनिट्स को। डीक्रिमिनलाइजेज एंड फिक्स्ड पेनल्टीज़। अब इन्होंने क्या कर दिया है, अगर कोई भी कोस्टल एक्वाकल्चर वहाँ पे इलीगली कैरी आउट हो रहा है, मतलब कोई भी वहाँ पे इलीगल फिश फार्मिंग कर रहा है, तो उसको डीक्रिमिनलाइज करके पेनल्टीज फिक्स कर दी है। परमिटिंग सर्टेन एक्वाकल्चर एक्टिविटीज़ इन CRZ जोन्स, जो आपके कोस्टल रेगुलेटरी जोन्स हैं, पहले वहाँ पे प्रोहिबिट था, अब यहाँ पे कुछ सर्टेन टाइप की जो एक्वाकल्चर एक्टिविटीज़ हैं उनको परमिट कर दिया गया है। और द एक्ट परमिट्स हैचरी वहाँ पे अलाउड कर दिया है, न्यूक्लियस ब्रीडिंग सेंटर्स अलाउड किए गए हैं, ब्रूड स्टॉक मल्टीप्लिकेशन सेंटर वहाँ पे एस्टेब्लिश किए जा सकते हैं। किसमें, जो नॉन डेवलपमेंट जोन्स हैं वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं किए जा सकते, पर इस टाइप के जो सेंटर्स हैं वो वहाँ पे किए जा सकते हैं। और बफर जोन्स जो हैं वो मतलब कि वहाँ पे कहाँ पे ये सब चीज़ें आपके सीज के पास, सी का जो नो डेवलपमेंट जोन है, और रिवर या जो आपके बैक वाटर्स हैं वहाँ के जो बफर जोन्स हैं वहाँ पे ये क्या चीज़, न्यूक्लियस ब्रीडिंग सेंटर, हैचरीज और ब्रूड स्टॉक जो मल्टीप्लिकेशन सेंटर्स हैं ये इस्टेब्लिश किए जा सकते हैं।
प्रिवेंट द यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक एंड फार्माकोलॉजिकली एक्टिव सब्सटेंसेस, मतलब कि वहाँ पे जो कोस्टल एक्वाकल्चर है वहाँ पे एंटीबायोटिक्स का जो यूज़ है उसको प्रिवेंट करना है, मतलब कि वहाँ पे एंटीबायोटिक जो यूज़ हो रही है उनको कंट्रोल करना है, और फार्माकोलॉजिकली एक्टिव सब्सटेंसेस भी हैं वो भी वहाँ पे उनका भी यूज़ जो है वो कंट्रोल करना है, ताकि वो ह्यूमन हेल्थ को ज़्यादा इम्पैक्ट ना कर सके। प्रमोट बायो सिक्योरिटी, दैट इज़ एनी मेजर्स अडॉप्टेड टू एनालाइज मैनेज एंड प्रिवेंट द रिस्क ऑफ इंट्रोडक्शन और स्प्रेड ऑफ हार्मफुल ऑर्गेनिज्म विद इन द कोस्टल एक्वाकल्चर यूनिट एंड टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज। आपको पता है आजकल जूनोटिक डिजीज़ बहुत ज़्यादा फैल रही है, तो इस वजह से जो बायो सिक्योरिटी है उसको प्रमोट करने के लिए वहाँ पर वेरियस टाइप के आपके स्टेप्स लिए गए हैं, ताकि मतलब वहाँ पर कोई भी किसी भी टाइप का हार्मफुल ऑर्गेनिज्म जो है वो उन ब्रूड्स में या हैचरीज में वहाँ पे ना आ जाए और वो कोस्टल एक्वाकल्चर यूनिट को हार्म ना करे। सिग्निफिकेंस क्या है इस अमेंडमेंट, इस एक्ट का 2023 वाले का? इसका सिग्निफिकेंस यही है कि जो कोस्टल एरिया है उसकी सस्टेनेबल ग्रोथ हो, प्रमोट करेगा प्रोडक्शन को, प्रोडक्टिविटी को, एक्सपोर्ट्स को और ट्रेसेबिलिटी, क्योंकि ये मॉनिटर भी करेगा और मैनेजमेंट भी करेगा। इंक्रीज़ करेगा कॉम्पिटिटिवनेस, क्योंकि कहीं ना कहीं वहाँ पर जो प्रोडक्ट्स तैयार हो रहे हैं वो एक फिक्स स्टैंडर्ड के साथ होंगे। और एंटरप्रेन्योरशिप, एम्पावरिंग अथॉरिटीज़ विद मोर पावर टू रेगुलेट एक्टिविटीज़। ये जो अथॉरिटी है, ये मतलब ये जो लॉ है, एक्ट है, ये अथॉरिटीज़ को पावर देगा ताकि वो और ज़्यादा मतलब एक्टिविटीज़ जो वहाँ हो रही है उसको रेगुलेट कर सके और एनवायरमेंटल कंप्लायंस के साथ वहाँ पर जो एक्टिविटीज़ हैं वो परफॉर्म कर सके। और इसमें क्या होगा, आपका पोल्यूटर पे प्रिंसिपल भी यूज़ में आएगा कि जो पॉल्यूट करेगा उसको पे करना पड़ेगा, तो इसको बोलते हैं पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है, ये भी कहीं ना कहीं एनहांस होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या किया गया, डिक्रिमिनलाइज करके ऑफेंस को वहाँ पे पेनल्टीज़ लगा दी है। इट ऑल्सो अनेबल्स लैक ऑफ स्मॉल मार्जिनल एक्वाकल्चर फार्मर टू अवॉइड द पॉसिबल नीड फॉर ऑब्टेनिंग CRZ क्लियरेंस फ्रॉम मल्टीपल एजेंसीज। मतलब यहाँ पे ये जो आपके छोटे किसान होते हैं जो वहाँ पे फ़िश फार्मिंग वगैरह करते हैं, अब उनको ज़रूरत नहीं है कि वो CRZ के पास जाके क्लियरेंस वगैरह ले सकें। ओके, नेक्स्ट क्या है, प्रमोट न्यू एनवायरनमेंट फ्रेंडली कोस्टल एक्वाकल्चर। अब क्या है, जो आपका जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली कोस्टल एक्वाकल्चर जो है वो प्रमोट होगा, कैसे, क्योंकि केज कल्चर वहाँ पे हो सकता है, सीवीड कल्चर वहाँ पे हो सकता है, न्यूक्लियस कल्चर वहाँ पे हो सकता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगी मेनली। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो आपकी फिशर वुमेन है वो भी इन मतलब कि अपना जो है पार्ट प्ले कर सकती हैं। डेवलपिंग डेडिकेटेड फैसिलिटीज़ इन एरियाज़ हैविंग डायरेक्ट एक्सेस टू सी वाटर टू प्रोड्यूस जेनेटिकली इम्प्रूव्ड एंड डिजीज़ फ्री ब्रूड स्टॉक एंड सीड्स फॉर यूज़ इन कोस्टल एक्वाकल्चर। क्योंकि कुछ ऐसे एरियाज़ हैं, अब हमें क्या करना पड़ता है, अगर हमें किसी एक पर्टिकुलर टाइप की फ़िश को प्रोड्यूस करवाना है तो उसके जो मतलब सीड्स हैं उनको हमें ला के एक जो आप सेटअप है वहाँ पे ले जाके उनको जर्मिनेट करवा के उसको जो लार्ज पॉपुलेशन है बनाना पड़ता है। लेकिन अब इन्होंने क्या कर दिया कि वो जो CRZ जोन है वहाँ पे हम ये वाले फंक्शनिंग कर सकते हैं, तो उससे क्या होगा, जो जेनेटिकली इम्प्रूव्ड और डिजीज़ फ्री ब्रूड स्टॉक्स है ना वो वहीं पर बन सकेंगे। ओके, इम्प्रूव एक्सपोर्ट्स प्रोहिबिटिंग द यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स एंड फार्माकोलॉजिकली। अब वहाँ पे पहले ही बताया था कि एंटीबायोटिक्स और फार्माकोलॉजिकली एक्टिव जो सब्सटेंसेस हैं उनका जो यूज़ है प्रोहिबिट किया गया, मना है एंटीबायोटिक्स का और फार्माकोलॉजिकली एक्टिव सब्सटेंस का यूज़ करना। उससे क्या होगा, जो हमारे एक्सपोर्ट्स हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं मतलब उनका जो स्टैंडर्ड है वो इम्प्रूव होगा, और जो आपके नॉन टैरिफ बैरियर्स आते हैं WTO के अंडर उनको भी ये इम्पैक्ट मतलब कि रिड्यूस करेगा, मतलब कि वो जो नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं उन बैरियर्स से भी हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं वो इजीली कोप अप कर सकेंगे, और उससे हमारा एक्सपोर्ट जो है वो कहीं ना कहीं इंक्रीज होगा। गवर्नमेंट ने कौन कौन से आपके स्टेप्स लिए हैं एक्वाकल्चर को प्रमोट करने के लिए, तो मेनली मरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी जो एम्पेडा है, एम्पेडा जो है उसको एस्टैब्लिश किया गया था। ये एक स्टेटूटरी बॉडी है, 1972 में एस्टैब्लिश हुई थी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर, जो ये आती है और मेनली प्रमोट करती है मरीन प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट को। नेक्स्ट आता है ब्लू रिवोल्यूशन, ये इंडिया के अंदर मतलब कि फिशरी और एक्वाकल्चर जो सेक्टर है उसके ऊपर एम्फोसिस इस रिवोल्यूशन में दिया गया था। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, इसमें भी स्टेप लिए गए थे ताकि इंटेंसिफाई और डाइवर्सिफाई किया जा सके इनलैंड फिशरीज़ को, एक्वाकल्चर को, और मेनली जो फोकस था वो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ स्पीशीज़ पे था।
फोकस किस पे था, एक तो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ फिशेज और दूसरा था इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू स्पीशीज। लेकिन इस एक्ट्स के साथ कुछ इशू भी है। इस एक्ट के साथ कौन कौन से इनइफेक्टिव वर्क बाय कोस्टल एक्वाकल्चर अथॉरिटी है, जो कोस्टल एक्वाकल्चर अथॉरिटी जो है वो उसका वर्क जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। और वो क्यों नहीं है, क्योंकि उनके पास जो स्किल्ड मैन पावर है उसकी कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की भी कमी है। और ये सब हमें कहाँ से पता चला, कैग की रिपोर्ट आई थी उस रिपोर्ट से पता चला। नेक्स्ट क्या है, प्रमोटिंग इंटेंसिव कोस्टल एक्वाकल्चर विच मे हैव एडवर्स इम्पैक्ट्स ऑन द एनवायरमेंट। अब ये जो एक्ट है ये क्या कह रहा है, ये प्रमोट करेंगे इंटेंसिव कोस्टल एक्वाकल्चर को। अगर कोस्टल एक्वाकल्चर को आप प्रमोट करोगे इंटेंसिवली, तो कहीं ना कहीं जो कोस्टल एनवायरमेंट है उसको भी हानि पहुँचेगी। उससे क्या होगा, जो कोस्टल एरियाज़ हैं वहाँ पर सेलिनेशन जो है वो बढ़ेगा। उससे क्या होगा, नेचुरल आपके जो फ्लड वाटर ड्रेनेज है वो कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्ट होगी। कंक्लूजन क्या है, अगर कंक्लूजन देखें तो द कोस्टल एक्वाकल्चर अथॉरिटी एक्ट जो है 23 का इज़ द एप्रोप्रिएट स्टेप टुवर्ड रिवाइविंग एंड मॉडर्नाइजिंग कोस्टल एक्वाकल्चर। एप्रोप्रिएट स्टेप है किसकी तरह, जो आपका एक्वाकल्चर है उसको रिवाइव करने के लिए और मॉडर्नाइज करने के लिए इन द नेशन एंड मेकिंग इट अ मेजर सी फूड एक्सपोर्टर वर्ल्ड वाइड, ताकि इंडिया जो है वो एक, मतलब कि अभी जो थर्ड सी फूड एक्सपोर्टर है वो मेजर सी फूड एक्सपोर्टर बना रहे। लेकिन यहाँ पे कुछ ज़रूरत है हमें, क्या, किस चीज़ की, बैलेंस की, किसके बीच में, प्रमोटिंग एक्वाकल्चर एक्टिविटीज़ एंड मिनिमाइजिंग दी एनवायरमेंटल डैमेज। यानी कि हम एक तरफ तो एक्वाकल्चर एक्टिविटीज़ को प्रमोट कर रहे हैं, दूसरी तरफ एनवायरमेंट को डैमेज हो रहा है, तो इनके बीच में हमें एक बैलेंस बना के चलना होगा। ये हम कंक्लूजन में इसमें देख रहे हैं। नेक्स्ट है आपका एग्रोफॉरेस्ट्री। एग्रोफॉरेस्ट्री क्यों न्यूज़ में था, रिसेंटली सेंटर ने रिलीज़ की है एक फैक्ट शीट टू प्रमोट एग्रोफॉरेस्ट्री प्रिपेयर्ड बाय द इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, फॉरेस्ट रिसर्च एंड एजुकेशन। अगर हम बात करें इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन की, तो ये एक ऑटोनोमस काउंसिल है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, MoEFCC के अंडर ये एक ऑटोनोमस काउंसिल है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या करती है, फॉरेस्ट्री रिसर्च भी करती है, एजुकेशन में भी ध्यान देती है और एक्सटेंसिव जो नीड्स होती है कंट्री की उसको भी ध्यान में रखती है। ऑर्गेनाइजेशन जो है अगर देखें सेटअप, तो इसके 9 तो रीजनल रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, 5 इसके सेंटर हैं और वो 5 सेंटर इंडिया के डिफरेंट जो बायोजियोग्राफिकल रीजन्स हैं वहाँ पर हैं। अगर और इसके बारे में पढ़ें तो इस रिपोर्ट में क्या रिलीज़ हुआ था, Cultivating 36 specific species including bamboo that are suitable for agroforestry system and home gardens. इस रिपोर्ट में रिलीज़ किया गया था कि हमें बम्बू की जो 36 स्पेसिफिक जो वेराइटीज़ हैं वो सूटेबल हैं किसके लिए, एग्रोफॉरेस्ट्री सिस्टम के लिए और होम गार्डन्स के लिए। ये जो 36 जो स्पीशीज़ हैं उसमें आपकी एक तो है ल्यूकेना ल्यूकोसिफेला और सुबाबुल, एंड कुछ जो वेराइटीज़ हैं वो आपकी यूकेलिप्टस की है। तो आपको ये देखिए याद रखना होगा, ल्यूकेना ल्यूकोसिफेला किसकी वेराइटी है, प्री में पूछा जा सकता है, तो ये एक बैम्बू की वेराइटी है। सुबाबुल इज़ कंसिडर्ड एज इन्वेसिव स्पीशीज़। इन्वेसिव स्पीशीज़ क्या होती है ये पता होना चाहिए। कोई भी स्पीशीज़ मान लीजिए, ये एक स्पीशीज़ थी, जस्ट अ सेकेंड, इन्वेसिव स्पीशीज़ अगर मैं बात बताऊँ तो मान लीजिए ये एक फॉरेस्ट है जो कि US का है और ये एक फॉरेस्ट है जो कि इंडिया का है। अगर हमने कोई भी एक स्पीशीज़ जो US के फॉरेस्ट से अगर हम लेके आए हैं, यहाँ से अगर हम लेके आए हैं और उसको हमने इंडिया के फॉरेस्ट के अंदर या इंडिया में कहीं पे भी, मान लीजिए यहाँ कोई एक फ्लावर था जो कि बहुत ही सुंदर, उसकी खुशबू थी बहुत अच्छी, तो उसको हम इंडिया में लेके आए उस फ्लावर को। अब ये फ्लावर क्या करता है, लाए तो हम इसके एस्थेटिक पर्सपेक्टिव से थे, लेकिन अब ये फ्लावर इतना ज़्यादा ग्रो हो गया और यहाँ पे जो, मतलब कि खुद की इंडिया के जो फ्लावर स्पीशीज थी उनको ये कहीं ना कहीं हार्म पहुँचा रहा है, तो इसलिए इस फ्लावर को हम क्या बोलेंगे, इन्वेसिव स्पीशीज। ओके, तो इस टाइप की स्पीशीज जो अगर एक जगह में हम इंट्रोड्यूस करते हैं तो वहाँ की जो नेटिव स्पीशीज हैं उनको हार्म पहुँचाए, उनको हम बोलते हैं इन्वेसिव स्पीशीज। तो सुबाबुल जो है वो एक इन्वेसिव स्पीशीज माना गया, दैट हैज़ बीन रिपोर्टेड एज अ वीड, जिसको एक वीड माना गया है इन मोर देन 20 कंट्रीज़, 20 से ज़्यादा कंट्रीज़ में। और ये कैसे पता चलता है, IUCN का जो डाटाबेस है वहाँ पे। यूकेलिप्टस को हम कंसिडर करते हैं हाईली वाटर इंटेंसिव प्लांट, यूकेलिप्टस इज़ कंसिडर एज हाईली वाटर इंटेंसिव प्लांट। अगर हम बात करें एग्रोफॉरेस्ट्री की, तो एग्रोफॉरेस्ट्री जो है वो एक कॉम्बिनेशन है किसका, प्रैक्टिसिंग एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री टुगेदर, जहाँ पे एग्रीकल्चर भी और फॉरेस्ट्री भी दोनों साथ साइड बाय साइड चल रहे हैं आपके।
इट फोकसेस ऑन द इंटरेक्शन एंड इंटरडिपेंडेंस ऑफ वेरियस एलिमेंट्स इन नेचर। सिंपल सी बात है, अगर आपका एग्रीकल्चर है, फॉरेस्ट्री दोनों साथ में चल रहे हैं, तो एनवायरनमेंट के वेरियस जो आपके फैक्टर इंटरेक्शंस हैं और वो एक दूसरे पे कैसे इंटरडिपेंडेंट है, उस चीज़ को ये कंसिडर करता है। नेक्स्ट अगर हम देखें कंपोनेंट्स क्या है एग्रोफॉरेस्ट्री के कंपोनेंट है क्रॉप, ट्रीज एंड लाइफ स्टॉक। एग्रोफॉरेस्ट्री जो सिस्टम है उसको मेनली क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट है आपका एग्री सिल्वीकल्चर। सिल्वीकल्चर का मतलब है कि क्रॉप्स के साथ आप ट्रीज ग्रो कर रहे हो। सिल्वो पेस्टोरल का मतलब है पेस्चर्स, यानी जानवरों के साथ साथ आप ट्रीज ग्रो कर रहे हो। एग्रो सिल्वी पेस्टोरल, तो क्रॉप्स भी है, जानवर भी हैं और ट्रीज भी हैं, तीनों ही चीज़ें आप ग्रो, मतलब कि एक साइड बाय साइड चल रही है। तो ये तीन टाइप हो गए एग्रोफॉरेस्ट्री के, एग्री सिल्वीकल्चर, सिल्वो पेस्टोरल, एग्रो सिल्वी पेस्टोरल। अगर हम एट्रीब्यूट्स देखें एग्रोफॉरेस्ट्री सिस्टम के, तो फर्स्ट है इसका प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्शन ऑफ प्रेफर्ड गुड एंड इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड। ये क्या करेगा, इससे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी प्रेफर्ड गुड्स की, और जो आपके लैंड की प्रोडक्टिविटी है वो भी इंक्रीज़ होगी। सस्टेनेबिलिटी भी है क्योंकि ये कंजर्व करेगा द प्रोडक्शन, जो पोटेंशियल है कि कहीं का भी उसको ये मतलब सस्टेन करेगा। सीधी सी बात है, अगर ये आपका कोई खेत है जिसमें आप ट्रीज भी ग्रो कर रहे हो, ओके, उसमें आप जो आपकी छोटी क्रॉप्स है वो भी ग्रो कर रहे हो और जानवरों को भी रख रहे हो, तो जानवरों से जो हमें वेस्ट मिल रहा है वो इस खेत के लिए एक मैन्योर का काम करेगा, ओके। तो ये क्या है, आपका सस्टेनेबल भी है। अडॉप्टेबिलिटी देखें तो एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड प्रैक्टिस, ये जो मतलब जो फार्मर्स हैं वो इजीली इसमें अडॉप्ट कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी फार्मर्स जो हैं इस टाइप की जो प्रैक्टिसेस हैं वो फॉलो कर रहे हैं। अगर एग्रो क्लाइमेट जोन की बात करें, एग्रो क्लाइमेट जोन जो है ये एक लैंड यूनिट होती है इन टर्म्स ऑफ मेजर क्लाइमेट सुटेबल फॉर अ सर्टेन रेंज ऑफ क्रॉप्स, जो कि एक मतलब किसी ना किसी पर्टिकुलर रेंज के लिए जो क्रॉप है उसके लिए ठीक है। इट एम्स एट साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ रीजनल रिसोर्सेज टू मेट द फूड फाइबर फोडर एंड फ्यूल फूड विदाउट एडवर्सली अफेक्टिंग द स्टेटस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड एनवायरमेंट, ओके। तो इसी को बोलते हैं एग्रो क्लाइमेटिक जोन, यानी कि किसी भी एरिया का, फॉर एग्जांपल ये कोई कंट्री का एक पर्टिकुलर एरिया है, इस एरिया में इस टाइप मतलब कि अगर मान लीजिए अगर मैं हरियाणा की बात करूँ तो हरियाणा पंजाब की, तो हरियाणा पंजाब में जिस टाइम आपके राइस की खेती, राइस की जो प्लांटिंग है वो स्टार्ट होती है, उस टाइम क्या होता है, गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि वो जो प्लांटिंग, अगर आपको राइस ग्रो करना है तो 15 जुलाई के बाद ही आप स्टार्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हरियाणा पंजाब में जो मानसून की एंट्रेंस होती है वो माना जाता है आपके जून के एंड में या कई बार जुलाई के स्टार्टिंग में स्टार्ट हो जाती है। तो वो क्या हो गया, वो एक एग्रो क्लाइमेटिक जोन हो गया। वो जोन ऐसा हो गया कि उस टाइम जो जिस टाइप की वहाँ पे आपकी प्रेसिपिटेशन हो रही है वो वहाँ की जो नेटिव क्रॉप है उसके लिए बेनिफिशियल है, ठीक है। हालांकि जो हरियाणा पंजाब है वो बिल्कुल भी सुटेबल आपके जो है एरियाज़ नहीं है प्लांट इसकी, राइस की ग्रोथ के उसके लिए, खेती के लिए। लेकिन मैं जस्ट आपको एक एग्जांपल के थ्रू बता रही हूँ कि किसी भी पर्टिकुलर एरिया का क्लाइमेट वहाँ की एग्रीकल्चर के लिए कितना सुटेबल है, उस टाइप को हम बोलते हैं एग्रो क्लाइमेटिक जोन। सिग्निफिकेंस क्या है एग्रोफॉरेस्ट्री का, फार्म प्रॉफिटेबिलिटी, क्योंकि जो फार्मर है वो साथ में ट्रीज को भी यूज़ कर रहा है, क्रॉप्स का भी यूज़ कर रहा है और एनिमल्स का भी यूज़ कर रहा है, तो उनको जो लाइफ स्टॉक पर यूनिट एरिया है उनका जो आउटपुट है उसके कंपैरेटिवली उनको जो मतलब आउटपुट जो मिलेगा इनपुट के कंपैरेटिवली वो ज़्यादा मिलेगा, तो उनको प्रॉफिट मिलेगा। रिसोर्स की सस्टेनेबिलिटी, सारे रिसोर्स क्या है मतलब एक दूसरे के लिए हेल्पफुल हैं, तो वहाँ पे सस्टेनेबिलिटी का इशू भी नहीं आएगा, सस्टेनेबल है सब के सब। इनपुट कॉस्ट भी डिक्रीज होगी, क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि अगर लाइफ स्टॉक यूज़ करें तो लाइफ स्टॉक की जो आपका वेस्ट है वो वहाँ पे मैनर का काम करेगा, एक टाइप का बायो पेस्टिसाइड हो जाएगा ट्री कंपोनेंट्स के लिए। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, क्योंकि इससे क्या होगा, जो ट्रीज़ क्रॉप्स और लाइफ स्टॉक्स हैं वो क्या करेंगे, एक बहुत ही डाइवर्स इकोसिस्टम को मतलब कि वो करते हैं, बनाते हैं, उससे क्या होगा जो ब्रॉडर रेंज ऑफ स्पीशीज़ है वो वहाँ पर रह सकती है। तो अगर ब्रॉडर रेंज ऑफ स्पीशीज़ रहेंगी तो कहीं ना कहीं बायोडाइवर्सिटी की कंजर्वेशन में वो हेल्पफुल होगा। फूड सिक्योरिटी, अगर हम डिफरेंट टाइप के जो प्लांट, ट्रीज और लाइफ स्टॉक है उनको एक साथ रखते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी जो हेल्थ और न्यूट्रिशन है वो भी उस डाइवर्सिटी की वजह से, जो फूड के अंदर क्वालिटी और डाइवर्सिटी आ रही है उससे इम्प्रूव होगी।
इंक्रीजिंग इनकम ऑफ फार्मर्स, क्योंकि जो फार्मर है वो एक साथ तीन अलग अलग जो यू कैन से वहाँ पे प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व हो रहा है, तो फाइनेंशियली वो फ्लेक्सिबिलिटी उसको मिलेगी और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी जनरेट होगी। कार्बन सिक्वेस्ट्रिंग, एग्रोफॉरेस्ट्री में मतलब ये क्या होता है कि जो कार्बन की कैप्चरिंग होती है उससे क्या होता है, जो आपका लॉन्ग टर्म स्टोरेज होता है एटमोसफेयरिक कार्बन डाइऑक्साइड का, वो एग्रोफॉरेस्ट्री में हो जाता है, तो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन भी वहाँ होता है। लेकिन चैलेंजेस क्या है एग्रोफॉरेस्ट्री के साथ साथ, तो वो हम देख लेते हैं। सुपीरियर सीड वेराइटीज़ जो है उनकी बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। ट्रीज़ क्या करते हैं, एक टाइम के बाद जाके वो एग्रीकल्चर क्रॉप के साथ इंटरफेयर करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि ये माना गया है कि जहाँ पे ट्री आपने बड़ा ट्री लगाया है शीशम का या इस टाइप का, तो वो क्या करते हैं जहाँ जहाँ तक उस ट्री की छाया जाएगी ना नीचे खेत के अंदर, तो वहाँ पे जो आपकी क्रॉप आपने लगाई है उसकी जो यील्ड होगी कहीं ना कहीं वो डाउन आ जाती है, तो ट्री इंटरफेयर करने लग जाते हैं एग्रीकल्चर क्रॉप की यील्ड के साथ। इस एरियाज़ के अंदर एग्रो क्लाइमेट जो एग्रो फॉरेस्ट्री है वहाँ पे रिसर्च ज़्यादा नहीं हो रखा है, उस वजह से क्या है कि हमें अभी पता नहीं है अलग अलग एग्रो क्लाइमेटिक रीजन्स का। ट्रीज़ जो है नेक्स्ट इसमें इशू है कि ट्रीज़ जो है उनका जेस्टेशन पीरियड जो है वो बहुत ज़्यादा, जेस्टेशन पीरियड मतलब सीड लगाने के बाद में एक पूरा ट्री बनने का जो टाइम होता है उसको बोलते हैं जेस्टेशन पीरियड। तो जो लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड है वो कहीं ना कहीं रिटर्न्स जो है उनको लिमिटेड कर देता है या डिले कर देता है। मार्केट जो मैकेनिज्म है वो बहुत ज़्यादा लैकिंग है ट्री के लिए, और डर्थ ऑफ रिम्यूनरेशन फॉर अंडरटेकिंग ट्री कल्टीवेशन। अगर ट्री कल्टीवेशन कोई कर लेता है तो उसको जो रिम्यूनरेशन मिलता है वो बहुत कम मिलता है। अगर वे फॉरवर्ड देखें, अगर हमें एग्रो फॉरेस्ट्री को स्केलिंग करनी है, तो वे फॉरवर्ड ये होगा कि हमें नए नए एग्रो फॉरेस्ट्री मॉडल्स जो हैं डिफरेंट क्लाइमेटिक जोन्स के अकॉर्डिंग हमें बनाने पड़ेंगे। एंश्योर करना पड़ेगा किसका, कि हमें सर्टिफाइड प्लांट मटेरियल जो है वो अवेलेबल हों। रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है इस एरिया में और ज़्यादा मतलब कि उस पर हमें एम्फेसिस करना पड़ेगा, इम्प्रूव करना पड़ेगा मार्केट एक्सेस टू फार्मर्स, ताकि जो वो आपके फार्मर्स हैं वो डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड सेकेंडरी प्रोसेसिंग यूनिट्स नियर दी एग्रो फॉरेस्ट्री जोन्स के पास ही आपके जो मेनली मार्केट्स हैं वो एस्टेब्लिश किए जाएँ, ताकि फार्मर्स जो हैं उनको अपने प्रोडक्ट्स को लेकर ज़्यादा जो एरिया है ज़्यादा दूर ना जाना पड़े। असेसिंग इम्पैक्ट्स, रिसर्च ऑन इकोलॉजिकल एंड सोशल इम्पैक्ट ऑन अडोप्शन ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री। अगर हमें अडोप्ट करना है एग्रो फॉरेस्ट्री को, तो उसका जो इकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या होगा और उसका जो सोशल इम्पैक्ट क्या होगा उससे रिगार्डिंग भी हमें असेसमेंट करनी ज़रूरी है। एक्सटेंशन सर्विसेज, अगर हमें इम्प्रूव करना है डिलीवरी ऑफ टेक्नोलॉजी, कि कैसे जो फार्मर्स हैं वो एक्सटेंशन प्रोग्राम्स के थ्रू मतलब कि एक बेटर रिजल्ट्स ले सकते हैं, तो हम वहाँ पे क्या कर सकते हैं, फार्मर्स को एक्सटेंशन प्रोग्राम के थ्रू इन्वॉल्व कर सकते हैं रिसर्च में। गवर्नमेंट के अगर हम इनिशिएटिव देखें एग्रो फॉरेस्ट्री में, तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है सब मिशन ऑन एग्रो फॉरेस्ट्री, और ये किसके अंदर आता है, हर मेड पर पेड़, जो हर मेड पर पेड़ स्कीम है उसके अंदर ये 2016-17 में लॉन्च किया गया था, और ये कहा गया था कि फार्म लैंड में जितने भी एक्स्ट्रा वहाँ पे मेड है खेत के साइड का जो एरिया है वहाँ पे हर जगह आपको जो है पेड़ लगाने हैं। मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर मेड, जिसको बोलते हैं MIDH, ये भी इम्प्लीमेंट हुआ था आपका 2014-15 में, और ये किस पे एम्फेसिस करता है, हॉलिस्टिक ग्रोथ ऑफ हॉर्टिकल्चर कवरिंग फ्रूट्स वेजिटेबल्स मशरूम्स एंड स्पाइसेस पे। एक इम्पॉर्टेंट था नेशनल एग्रो फॉरेस्ट्री पॉलिसी जो कि 2014 में हुई थी, इस पॉलिसी ने मेनली आपका एम्फेसिस किया था कि हमें जो ट्री प्लांटेशन है उसको एक्सपेंड करना है, उसी के साथ साथ हमें जो ट्री का इंटीग्रेटेड मैनर में प्लांटेशन करना है, किसके साथ, क्रॉप के साथ और लाइफ स्टॉक के साथ। एग्जेम्प्टेड मैनी ट्री स्पीशीज फ्रॉम दी फेलिंग एंड ट्रांजिट रूल्स एंड रिमूव बैम्बू फ्रॉम दी कैटेगरी ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस। यहाँ पे ये आपको ध्यान देना है, ये पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा जो प्लांट है वो फॉरेस्ट प्रोड्यूस में इंक्लूड होता है, तो जो बैम्बू है उसको फॉरेस्ट प्रोड्यूस में इंक्लूड नहीं करते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका कंप्रेस्ड बायोगैस CBG। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी जो है किस पे, ऑन पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, ने सबमिट की है अपनी एक एक्शन टेकन रिपोर्ट ऑन इट्स अर्लियर रिकमेंडेशन ऑन द सब्जेक्ट रिव्यू ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कंप्रेस्ड बायोगैस सतत के अंडर। अब ये सतत है क्या, ये है सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टुवर्ड अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन। सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन लॉन्च हुआ था 2018 में। इसका ऑब्जेक्टिव था कि हमें कंप्रेस्ड बायोगैस जो है उसके प्रोडक्शन प्लांट्स और
मतलब कि सेटअप करने हैं और कंप्रेस्ड बायोगैस को अवेलेबल करवाना है मार्केट में ऑटोमोटिव फ्यूल्स के यूज़ में, मतलब एज अ यूज़ इन ऑटोमोटिव फ्यूल्स. बायोगैस इज़ प्रोड्यूस्ड नेचुरली थ्रू द एनएरोबिक डिकम्पोजिशन ऑफ बायोगैस बायोमास. एक तो आपको यहाँ पे यह ध्यान रखना है कि बायोगैस जो होती है वो एनएरोबिक डिकम्पोजिशन होती है बायोमास की. और यहाँ पे बायोमास क्या होता है, आपका एग्रीकल्चर रेजिड्यू, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट, शुगर केन, प्रेस मड वगैरह. जो कंप्रेस्ड बायोगैस होती है ऑब्टेंड होती है मेनली आफ्टर प्योरीफिकेशन एंड कंप्रेशन ऑफ बायोगैस. बायोगैस को अगर हम प्योरीफाई और कंप्रेस करते हैं तो अब हमें मिलती है कंप्रेस्ड बायोगैस, जिसमें मीथेन कंटेंट जो होता है मोर देन 90% होता है. इस वजह से उसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो भी बहुत हाई होती है, वो 47 से 52 जो आपके जूल्स पर केजी होती है. अदर कंपोनेंट अगर हम देखें कंप्रेस्ड बायोगैस के, वो क्या होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट होता है मोर देन 4%, हाइड्रोजन सल्फाइड उसमें इंक्लूड होती है आपकी मोर देन 16 पार्ट्स पर मिलियन, नाइट्रोजन होती है मोर देन 0.5%, ऑक्सीजन जो होती है वो मोर देन 0.5% होती है, और मॉइस्चर जो है वो भी मोर देन आपका इसमें सॉरी लेस देन 5, ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड होती है लेस देन 4%, हाइड्रोजन सल्फाइड भी लेस देन 16 पार्ट पर मिलियन, नाइट्रोजन भी लेस देन 0.5%, ऑक्सीजन भी, नाइट्रोजन ऑक्सीजन दोनों ही 0.5% से कम होती है, और मॉइस्चर जो है 5 मिलीग्राम पर मीटर क्यूबिक जो है उससे कम होता है. लेकिन नोडल मिनिस्ट्री जो है वो इस प्रोग्राम को जो हेल्प करती है वो कौन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस. सिग्निफिकेंस क्या है कंप्रेस्ड बायोगैस का, ये मेन जो फ्यूल है बहुत ज़्यादा क्लीन और अफोर्डेबल है. एनर्जी जो बास्केट है, एनर्जी बास्केट में मेनली हमारे अब तक जो हम पेट्रोल और डीजल को लेके चलते थे उसको इसने डाइवर्सिफाई किया है, अब हम जो है गैस की तरफ भी मूव कर रहे हैं. ये जो हमारी इम्पोर्ट डिपेंडेंसी है क्रूड ऑयल पे, जो हम इम्पोर्ट करते हैं क्रूड ऑयल का, उससे हमारी जो डिपेंडेंसी है उसको रिड्यूस करती है, बूस्ट करती है एंटरप्रेन्योरशिप इन रूरल इकोनॉमी, क्योंकि रूरल इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा जो ये बायोगैस प्लांट्स हैं वो एस्टेब्लिश किए गए हैं. पंचअमृत टारगेट जो है उनको अचीव करने में ये हमें हेल्प करती है. ओके, नेक्स्ट इसका अगर हम पार्ट देखें तो वो है सतत के अकॉर्डिंग, जो सतत स्कीम थी उसके अंडर कौन कौन से टारगेट लिए गए थे कि हम 2023 तक 5000 कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट जो है वो लगाएंगे. 2000 मतलब कि जो कंप्रेस्ड बायोगैस है वो हम 15 मैट्रिक मिलियन टन जो है वो हम प्रोड्यूस करेंगे, और 50 मैट्रिक मिलियन टन जो है, मिलियन मैट्रिक टन जो है वो हम बायोमैन्योर प्रोड्यूस करेंगे. फुलफिल ऑफ ऑल फोर पिलर्स ऑफ आवर विजन ऑफ इंडियाज एनर्जी फ्यूचर, इंडिया का जो एनर्जी फ्यूचर रिपोर्ट है उसके जो विजन है उसके जो चारों पिलर्स हैं उनको फुलफिल करने के लिए कौन से, एनर्जी एक्सेस, एनर्जी एफिशिएंसी, एनर्जी सस्टेनेबिलिटी और एनर्जी सिक्योरिटी, उनमें भी जो सतत है वो हमारी हेल्प करेगा. लेकिन सतत की इम्प्लीमेंटेशन में चैलेंजेस क्या क्या हैं, सबसे पहला तो है गवर्नमेंट रिलेटेड इशूज़. कौन से इशूज़ हैं, गवर्नमेंट रिलेटेड इशूज़, गवर्नमेंट के पास में जो टेक्निकल नॉलेज है वो बहुत कम है. ओके, उससे क्या मतलब कि जो म्यूनिसिपल बॉडीज़ हैं उनके पास टेक्निकल नॉलेज नहीं है, वो भी कहीं ना कहीं एक टाइप का आपके पास बैरियर है. जो मल्टीपल रेगुलेटरी अप्रूवल्स हैं, अगर हमें कोई प्लांट लगाना है तो उसके लिए आपको जो अलग अलग लेवल पे अलग अलग अप्रूवल्स लेने हैं, वो भी कहीं ना कहीं एक मतलब बाधा के रूप में निकल के आता है. वहाँ पे हमें वेरियस मिनिस्ट्री से अप्रूवल लेना पड़ता है, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट है, पेट्रोलियम वाली है, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है सबसे. डिसकॉन्टिन्यूशन ऑफ सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस, पहले जो सेंटर से फाइनेंशियल असिस्टेंट मिलता था वो भी अब डिसकॉन्टिन्यू हो गया. तो उससे क्या हुआ है, जो अप्रैल 21 के बाद में अगर कोई सपोर्ट है टू न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट जो है वो मतलब कि 2021 से पहले ही मिलती थी, उसके बाद में जो सपोर्ट है ये फाइनेंशियल असिस्टेंस ये भी बंद हो गया है. लैक ऑफ इंटरेस्ट अमंग ऑयल PSUs, जितनी भी ऑयल आपकी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं उनका जो इंटरेस्ट नहीं है ज़्यादा कोई सेंट्र कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट प्रोजेक्ट्स में, हालांकि वो मतलब कि मेनली जो है आपका ये जो मैंडेट है वो अब इन्हीं PSUs के अंडर ही जाता है, लेकिन वो कोई ज़्यादा इंटरेस्ट अपना शो कर नहीं रही है. अनरेगुलेटेड बायोमास सप्लाई चेन, जो बायोमास की सप्लाई चेन है वो अनरेगुलेटेड है, क्योंकि देखिए अगर यहाँ पे जो गन्ने का भूसा है अगर वो यूज़ हो रहा है तो वो आपको पता है कि गन्ना एक सीजनल क्रॉप है, तो वो जो आपको मड मिल रहा है गन्ने का वो एक पर्टिकुलर सीज़न में मिल रहा है, तो दूसरा सीज़न आते ही वो चेंज हो जाएगा, मतलब वो सप्लाई चेंज रुक जाएगी. तो कहीं ना कहीं ये जो सप्लाई चेन के अंदर अनरेगुलेशन आती है वो दिक्कत देती है.
इनएफिशिएंट सोर्स है सेग्रीगेशन ऑफ म्यूनिसिपल, जो म्यूनिसिपल वेस्ट की जहाँ ज़रूरत होती है सीबीजी बनाने के लिए, तो वहाँ पे म्यूनिसिपल वेस्ट जो है वो एफिशिएंटली सेग्रीगेट नहीं होता है, तो वो भी कहीं ना कहीं दिक्कत दे रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन चैलेंजेस, अगर कंप्रेस्ड बायोगैस बन भी जाए तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो वहाँ पे भी इश्यूज आ रहे हैं। क्यों? द डिफरेंशियल जो टैक्स स्ट्रक्चर्स है ऑफ कंप्रेस्ड नेचुरल बायोगैस एंड कंप्रेस्ड बायोगैस एक्ट एज अ हर्डल। कंप्रेस्ड सीएनजी और सीबीजी के ऊपर जो अलग अलग टैक्स स्ट्रक्चर है वो भी इनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको मतलब कि एक हर्डल की तरह वहाँ पे आ रहा है। मार्केट जो है, नो बायर्स फॉर फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मैन्योर ऑन विच सीबीजी कंपनीज बेस 15-20% ऑफ देयर रेवेन्यू। जितनी भी आपकी कंप्रेस्ड बायोगैस की कंपनीज होती हैं उनका 15-20% जो रेवेन्यू आता है ना वो फर्मेंटेड ऑर्गेनिक बायो मैन्योर से आता है, लेकिन उनके लिए कोई बायर ही नहीं है। ओके, नेक्स्ट है लैक ऑफ बायो सीएनजी कंज्यूमर्स। कंज्यूमर जो हैं सीएनजी के रूरल एरियाज़ में वो बहुत कम है, क्योंकि सीएनजी व्हीकल्स की लिमिटेड अवेलेबिलिटी है। कंप्रेस्ड बायोगैस प्रोजेक्ट्स हैं वो इतने ज़्यादा इंप्लीमेंट नहीं हो रहे हैं जितना मतलब कि सोचा था। सिर्फ 40 कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट्स हैं वो अभी तक सेटअप किए गए हैं। ओके, अगर अदर इनिशिएटिव देखें जो कंप्रेस्ड बायोगैस के हैं इंडिया के अंदर, वो है इंटीग्रेशन ऑफ बायो सीएनजी एज ए फ्यूल फॉर ट्रांसपोर्टेशन। बायो सीएनजी को फ्यूल फॉर ट्रांसपोर्टेशन के साथ हमें इंटीग्रेट करके चलना है। नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल 2018, इट एम्स टू प्रमोट द प्रोडक्शन ऑफ कंप्रेस्ड बायोगैस एंड अदर बायोफ्यूल। इस पॉलिसी में ये बोला था कि जो कंप्रेस्ड बायोगैस है उसको अदर फ्यूल्स के साथ आप मिक्स करके यूज़ करोगे। गोबर्धन स्कीम, इसमें ये जो स्कीम है गोबर्धन स्कीम टू सपोर्ट विलेजेस इन इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ कैटल एंड बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। जो वहाँ पे कैटल यानी पशुओं से और बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हमें गांव से मिलता है ना, उसका इफेक्टिव मैनेजमेंट हो उसके। रिकॉग्निशन ऑफ कंप्रेस्ड बायोगैस प्रोजेक्ट अंडर द प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग स्कीम, ताकि जो RBI है उनको क्रेडिट दे इसके। अगर प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग स्कीम के अंतर्गत हम उनको कंसिडर करेंगे ना, तो RBI से उनको इजीली फाइनेंसेस जो है वो मिल सकते हैं। फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर टू फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मैन्योर टू प्रमोट यूजेज ऑफ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। अगर हमें ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जो है उसका जो यूज़ है प्रमोट करना है, तो कहीं ना कहीं हमें जो ये आपके दूसरी मार्केट है मतलब कि उनको कंट्रोल करना होगा और इस मार्केट को एक्सपेंड करना होगा। और इसमें आपके सॉलिड और लिक्विड दोनों ही जो बाय प्रोडक्ट है कंप्रेस्ड बायोगैस के, उनको इस मार्केट में लाना पड़ेगा, लाके उनको प्रमोट भी करना पड़ेगा। नेशनल बायो एनर्जी प्रोग्राम बाय मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जीज, MNRE ने नया बायो एनर्जी प्रोग्राम जो है वो बुलाया है। कौन सा? फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग, वहाँ पे कैपेसिटी बिल्डिंग होगी एंड रिसर्च इन बायोगैस सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड अदर बायो एनर्जी एस्पेक्ट्स। अगर वे फॉरवर्ड देखें तो देखिए ये ही कुछ आपके इनिशिएटिव थे, आपका बायो सीएनजी एज ए फ्यूल ट्रांसपोर्टेशन, नेशनल पॉलिसी आई थी 2018 में, गोबर्धन स्कीम है, सीबीजी प्रोडक्ट को आप PSL जो स्कीम है उसके अंतर्गत लो, या फिर जो फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर जो है वो आपको डालने पड़ेंगे किसके लिए, फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मैन्योर के लिए, और नेशनल बायो एनर्जी प्रोग्राम फॉर बाय MNRE। वे फॉरवर्ड देखें तो मेन इसमें क्या आता है कि कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म होना चाहिए। नेशनल बायोफ्यूल कोऑर्डिनेशन कमेटी है वो रेगुलरली मतलब कि ध्यान दे, मॉनिटर करे कि इम्प्लीमेंटेशन में कोई इशू आ रहा है तो उसको जो ये कमेटी है ये सॉर्ट आउट करे। फाइनेंशियल असिस्टेंस, क्योंकि वहाँ पे फाइनेंशियल जो है असिस्टेंस जो पहले मिलता था 2021 से पहले वो बंद हो चुका है, तो इसलिए हमें मतलब कि यहाँ पे ज़रूरत है फाइनेंशियल असिस्टेंस की, तो इसलिए माना जा रहा है कि जनरेशन बेस्ड जो इंसेंटिव है इंस्टेड ऑफ कैपेक्स बेस्ड सब्सिडी। मतलब कि अब हमें क्या करना चाहिए, मेनली इंसेंटिव जो है वो जनरेशन बेस्ड की, कितना जो है आपका मैन्योर या कितना जो गैस है वो जनरेट हो रही है उसके बेस पे हमें जो प्लांट्स है आपके कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट्स के उनको फाइनेंसिस देने चाहिए या इंसेंटिव्स देने चाहिए। सेटिंग अप अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन कंसल्टेशन विद ऑयल एंड गैस PSU, ऑयल एंड गैस PSU है उनसे कंसल्ट करके हमें एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन देना चाहिए, ताकि वो सारे जो आपके बायोफ्यूल या क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स हैं उनको फाइनेंसिस प्रोवाइड कर सके। हमें एक बायोफ्यूल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड सेटअप करना चाहिए जो कि क्रेडिट गारंटी मतलब या फिर जो है क्रेडिट गारंटी फंड है वो मतलब हमें सेटअप करना चाहिए, ताकि वो जितने भी आपके कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट है या उस सेक्टर को जो फंडिंग है वो डिले ना हो। प्रोवाइड फिस्कल सपोर्ट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर कनेक्टिंग प्रोजेक्ट्स विद द नेटवर्क्स। अब यहाँ पे क्या है, हमें जितने भी आपके कंप्रेस्ड बायोगैस प्रोजेक्ट थे उनको नेटवर्क के साथ जोड़ने के लिए जो पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर है
वो सेटअप करने के लिए फिस्कल सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड करनी चाहिए। गवर्नेंस रिफॉर्म्स, यहाँ पे कौन कौन से आपको गवर्नेंस रिफॉर्म्स की ज़रूरत है? मेनली तो जितने भी रेगुलेटरी अप्रूवल्स हैं ना उनको सिंप्लीफाई करो और डिजिटाइज करो, ताकि सबको मतलब एक सिंगल विंडो क्लियरेंस मिल सके, ओके। और उनकी जो सब्सिडी की क्लियरेंस है वो भी इजीली हो सके। कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज़, जितनी भी अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करें। कैसे? PPP मॉडल को आप यूज़ कर सकते हो, और उस मॉडल से आप ये इंश्योर कर सकते हो कि जो वेस्ट सेग्रीगेशन है वो इफेक्टिवली हो रहा है या नहीं हो रहा। रिस्ट्रिक्ट टू रेगुलेट द एक्सपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चर बायोमास, जो एग्रीकल्चर बायोमास एक्सपोर्ट हो रहा है उसको रेगुलेट करो या फिर रिस्ट्रिक्ट करो, ताकि वो एग्रीकल्चर बायोमास है ना वो अफोर्डेबली यूज़ हो सके यहाँ पे कंप्रेस्ड बायोगैस जो प्लांट्स हैं उनमें। टेक्नोलॉजी, अगर हम चाहें तो AI बेस्ड जो सेंसर्स हैं वो यूज़ कर सकते हैं, ताकि हम एनालाइज कर सकें कि कौन सा जो फीड स्टॉक है वो क्वालिटी है, मतलब कौन से फीड स्टॉक के अंदर हाई आपका जो है गैस कंटेंट है या इस टाइप के, या फिर व्हीकल ट्रैकिंग वगैरह है उन चीज़ को ट्रैक करने के लिए, टू एस्टेब्लिश अ साउंड बायोमास सप्लाई चेन, ताकि बायोमास की सप्लाई के लिए जो चेन है वो एक इफ़ेक्टिव चेन वहाँ पे प्रोड्यूस हो सके। नेक्स्ट है आपकी टाइडल एनर्जी। तो टाइडल एनर्जी अगर हम करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा आपका मतलब कि जो वीडियो है काफ़ी लेंथी हो जाएगा। उसके बाद में हमारे टाइडल एनर्जी के बाद में न्यूज़ इन शॉर्ट्स बचते हैं, तो न्यू टाइडल एनर्जी प्लस न्यूज़ इन शॉर्ट जो है वो आप नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, वो कम्प्लीट एक जो आपका कम्प्लीट वीडियो हो जाएगा। तब तक अगर आप जो मेरे वीडियोस हैं आपको इन्फॉर्मेटिव लगते हैं तो प्लीज़ आप मेरे वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।